गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 प्रेजेंटेशन विजुअल इफेक्ट्स। प्रेजेंटेशन हम किस में बनाते हैं? पावर पॉइंट प्रोग्राम में बनाते हैं। और उसमें किस तरीके से एनिमेशन बनाया जाता है, एक वीडियो बनाया जाता है और उसमें साउंड भी रहेगा, टेक्स्ट रहेगा, किस तरीके से होता है, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। A PowerPoint presentation is made up of a series of slides that can contain charts, diagrams, pictures, bar chart diagrams, bulleted list, eye-catching text, multimedia video and sound clips and many more। आपकी PowerPoint जो प्रोग्राम है इसमें हम प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं और इसमें जो आपकी पेज रहता है, जैसे कि हम वर्डपैड में काम करते हैं तो उसमें जो पेज रहता है उसको हम डॉक्यूमेंट कहते हैं और इसमें हम स्लाइड बोलते हैं। तो हम स्लाइड में जब हम काम करेंगे तो वो एक सीरीज से रहता है, उसके अंदर चार्ट, डायग्राम, पिक्चर, स्मार्ट आर्ट सारे चीज़ें लेके वो हम तैयार करते हैं। और कोई हम जैसे पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसमें हम वीडियो भी दे सकते हैं, उसके अंदर हम साउंड भी डाल के उसको बना सकते हैं। पावर पॉइंट 2010 प्रोवाइड्स ए वैरायटी ऑफ प्रोफेशनली डिजाइंड टेम्पलेट्स, थीम्स एंड स्टाइल गैलरी टू हेल्प यू क्रिएट टू ग्रेट लुकिंग प्रेजेंटेशन। आपकी 2010 में हम बहुत तरीके से वैरायटी ऑफ प्रोफेशनली या डिजाइन कर सकते हैं और इसमें जो प्रेजेंटेशन तैयार होता है वो बहुत अच्छे से बनता है। इंसर्टिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन पावर पॉइंट स्लाइड, हम पावर पॉइंट में जो पेज है इसमें जो पेज रहता है इसको स्लाइड बोलते हैं। इसमें हम किस तरीके से अलग अलग पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, अलग अलग काम करने के लिए हम किस तरीके से इसमें हम स्लाइड के अंदर इंसर्ट करेंगे, तो एक के बाद एक पढ़ेंगे हम। इंसर्टिंग ए पिक्चर, हम पिक्चर किस तरीके से स्लाइड के अंदर हम इंसर्ट करेंगे। देयर आर टू वेज टू इंसर्ट ए पिक्चर ऑन योर स्लाइड इन पावर पॉइंट, दो तरीके के होते हैं। यूजिंग कॉन्टेंट प्लेस होल्डर इन ऑल द स्लाइड लेआउट्स व्हिच हैव कॉन्टेंट्स और पिक्चर प्लेस होल्डर्स, दिस मेथड कैन बी यूज। आपकी प्लेस होल्डर जैसे एक आप क्लिक करते हो तो आपके सामने प्लेस होल्डर दिखाई देता है, तो हम स्टेप देखते हैं किस तरीके से हम इंसर्ट करेंगे पिक्चर। क्लिक ऑन द इंसर्ट पिक्चर बटन, इंसर्ट बटन में आप जाओगे, उसके बाद यहाँ पिक्चर होगा। इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स ओपन्स, ब्राउज एंड सिलेक्ट योर पिक्चर एंड क्लिक इंसर्ट। आपके सामने जिस जगह पे पिक्चर होगा उस फाइल को आपको क्लिक करना है, उसके बाद इंसर्ट करना है। यूजिंग इंसर्ट पिक्चर टूल, आप इंसर्ट पिक्चर टूल से किस तरीके से यूज करोगे। यहाँ आपकी ये पिक्चर है, इंसर्ट में, इंसर्ट टैब में जाके पिक्चर में जाओगे। इफ़ यू वांट टू ऐड ए पिक्चर ऑन एन एग्जिस्टिंग स्लाइड दैट हैज नो कंटेंट प्लेस होल्डर, यू कैन सिलेक्ट द इंसर्ट टैब ऑफ द रिबन एंड क्लिक द पिक्चर बटन। इफ़ यू वॉन्ट टू एड ए पिक्चर ऑन एग्जिस्टिंग स्लाइड, आपकी जो स्लाइड बनी हुई है उसके अंदर आप पिक्चर ऐड करना चाहते हो तो आप किस तरीके से करोगे। इंसर्ट टैब में जाओगे, पिक्चर में आओगे, उसके बाद यहाँ पिक्चर बहुत सारे आएंगे, उसको आपको इंसर्ट में जाके क्लिक करना है। इट विल ओपन द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स,
navigate to the folder where your pictures are located. You will see the icons or thumbnails of the pictures as shown in the following figure. आप insert picture dialog box में जैसे आप क्लिक करोगे पिक्चर तो आपके सामने इस तरीके से आएगा, आपको जितने भी पिक्चर होंगे आपके सामने आएगा। उसके बाद अगर सामने नहीं आ रहे तो आप आपकी जिस फोल्डर पे जिस फाइल पे आपकी पिक्चर है उसको आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने वो छोटे छोटे आइकन बन के हमारे सामने आएगा, उसको आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद इंसर्ट करना है। सिलेक्ट द पिक्चर यू विल नीड एंड क्लिक ऑन द इंसर्ट बटन हाईलाइटेड इन रेड। एज सून एज क्लिक द इंसर्ट बटन यू विल सी द सिलेक्टेड पिक्चर प्लेस ऑन द पावर पॉइंट स्लाइड। ये आप एक पिक्चर देख रहे हैं, जैसे कि एक पिक्चर आपके स्लाइड के अंदर यहाँ इंसर्ट हो गया है। नाउ द पिक्चर कैन बी एडिटेड बाय रिसाइजिंग मूविंग रोटेटिंग एटसेट्रा। आप यहाँ पे ये जो देख रहे हैं यहाँ पे आप मूव कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। इंसर्टिंग वर्ड आर्ट, आपने वर्ड आर्ट MS Word प्रोग्राम में भी देखा है, तो हम पावर पॉइंट में भी वर्ड आर्ट की यूज कर सकते हैं। अब हमारी जो टेक्स्ट है उसमें अलग अलग तरीके के स्टाइल में लिख सकते हैं। वर्ड आर्ट ऑफर ट्रेडिशनल इफेक्ट्स लाइक आउटलाइन टेक्स्ट, फील, ग्रेडियंट, 3D इफेक्ट्स एंड शेडोज एटसेट्रा। इफ यू वांट टू यू कैन एड वर्ड आर्ट यूजिंग द वर्ड आर्ट कमांड ऑन द इंसर्ट टैब इन द टेक्स्ट ग्रुप। आपकी वर्ड आर्ट कमांड इंसर्ट टैब में है टेक्स्ट ग्रुप में। इस तरीके से आपको यहाँ जाके आपको टेक्स्ट लिखना है जिस तरीके से आपको स्टाइल चाहिए। स्टेप वन, ऑन द इंसर्ट टैब इन द टेक्स्ट ग्रुप क्लिक वर्ड आर्ट। द वर्ड आर्ट स्टाइल्स गैलरी ओपन, आपकी वर्ड आर्ट स्टाइल की गैलरी खुल जाएगा। क्लिक ऑन द स्टाइल यू वांट टू इंसर्ट एंड ए टेक्स बॉक्स अपीयर्स विद द टेक्स योर टेक्स हियर विद द वर्ड आर्ट स्टाइल यू सिलेक्टेड अप्लाई टू इट। आपको जिस तरीके से स्टाइल चाहिए आपको वहाँ क्लिक करना है और आपको इस बॉक्स के अंदर लिखना है। एडिट द टेक्स्ट टू व्हाट एवर यू वांट इट टू बी। एट दिस पॉइंट यू विल सी ए ड्राइंग टूल्स फॉर्मेट टेक्स्ट टैब। हियर यू विल फाइंड द वर्ड आर्ट स्टाइल्स ग्रुप। आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आएगा, आपको जिस तरीके से स्टाइल चाहिए आप वहाँ चूज करके वहाँ लिख सकते हैं। दिस कंटेंट्स द प्रेजेंट स्टाइल्स गैलरी एंड ड्रॉप डाउन्स फॉर कंट्रोलिंग द टेक्स्ट फील, टेक्स्ट आउटलाइन एंड टेक्स्ट इफेक्ट। उसके अंदर आपको टेक्स्ट फील, टेक्स्ट आउटलाइन, टेक्स्ट इफेक्ट दिखाई देगा और आपको जिस तरीके से स्टाइल चाहिए वहाँ चूज करके आपको यहाँ फिल करना है। नेक्स्ट क्लास में हम क्रिएट ए चार्ट इन प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।